सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ओके, तो जिनके कान वे सुन ले, तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जो सुनता है मानता उसकी लाइफ में उसका प्रार्थना का उत्तर आता है, जो नहीं सुनता नहीं मानता उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हालेलुया। तो अगर आपका जवाब नहीं है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो अभी करना क्या है? प्रभु की संगति में रहना है। संगति कैसे होती है? ओके, बाइबल में पहले वचन को नोट कर लो, पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो संगति किस बात से की जाती है? जो प्रभु की संगति से रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो परमेश्वर के अंदर विश्वास है वो आपके अंदर विश्वास आएगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर है, राई का दाना स्वर्ग का राज्य राई के दाने जैसा है। मतलब स्वर्ग में क्या पाया जाता है? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर जैसा विश्वास, अगर परमेश्वर के बराबर विश्वास पाया जाए, सेम जो परमेश्वर के अंदर फेथ है वो तेरे अंदर पाया जाए, तो उसने कहा कुछ बात भी तेरे लिए संभव ना होगी। समझ पा रहे? तो बोला उसने, ऐसे तो मतलब दुनिया हिला दूंगा बंदा। हाँ, अगर छोटे मोटे विश्वास, तो वो कहता अगर परमेश्वर जैसा विश्वास तेरे अंदर है तो कुछ बात संभव ना होगी। और विश्वास की शिक्षा कितने लंबे लेसन क्यों दे रहा हूं, ताकि जो उस समय तक आप पहुंच जाएं परमेश्वर जैसे विश्वास तक, कि कुछ भी मैं कर सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया है। क्या तुम एक्साइटेड हो वहां पहुंचने के लिए कि मेरे पास आत्मिक शक्तियां हो, मैं अलौकिक हूं? छोटे, जब मैं छोटा था, मसीह में नहीं था, तभी मेरी ये खुशी होती थी। वो कहते वो शकल के बुम बुम वाली पेंसिल जी आ जाती सी, उन्हों देख देख के वाह मेरे तो भी इतना शक्तियां नहीं होवे, जो मर्जी बना दवा बन जाए। हैं, कोई लड़न आवे दोस्त मेरा स्कूल वाला, सिद्धा बना दवा को चल शक्ति वाला बंदा आ गया, मैंने ताकत आ गई, चल। कदे शक्तिमान देख, कदे स्पाइडरमैन देख, कदे सुपरमैन देख। हालेलुया। तो अब सब पावरों से ऊपर पावर वाला जीसस इज माय सुपर हीरो मुझे मिल चुका है, तो अब मुझे किसी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। मुझे मेरा सुपर हीरो मिल चुका है। जब आप विश्वास में खड़े हो जाओगे आप भी बोलेंगे मेरे सुपर हीरो को मैं जानता तो था पर उसके साथ संगति नहीं थी, मिला नहीं था। हालेलुया। पर आप भी कहेंगे मुझे मेरा सुपर हीरो मिल चुका है, जिसमें मैं संसार में आत्मिक जगत वाला जो स्वर्ग में काम होता है इस पृथ्वी पर कर सकता हूं। हालेलुया। तो जो प्रभु की संगति में रहता, संगति कैसे होती है? प्रार्थना और वचन के साथ। या अकेली संगति होती है प्रभु के साथ? संगति के में क्या आता है? प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा संगति और वचन के द्वारा संगति। तो जो प्रभु की संगति में रहता है, संगति प्रार्थना और वचन के साथ होती है, केवल प्रार्थना के साथ नहीं की जाती। हालेलुया। संगति कैसे होती है? प्रार्थना और वचन दोनों के साथ। ये नहीं कि 2 घंटे प्रार्थना के साथ वचन पढ़ा ही नहीं, ये नहीं कि 4 घंटे बाइबल पढ़ते हो और वचन पढ़ा ही नहीं, प्रार्थना की ही नहीं। तो संगति कैसे होती है? प्रार्थना और वचन के साथ। प्रार्थना वचन आप उपवास के साथ भी लिख सकते हैं। उपवास क्या होता है उसके बाद में हम एक लफ्ज उसका बताएंगे, उपवास का रेवलेशन बताएंगे। एक उपवास के बारे में आप शिक्षा तो पाई, पर मैं एक वेद बताऊंगा अगर प्रभु ने आज चाहा। तो आद में क्या था? प्रार्थना या वचन? वचन। पिछले पार्ट 1 में हमने बात की थी विश्वास और वचन, विश्वास और प्रार्थना। अब मैं आपको बता रहा हूं विश्वास, प्रार्थना, विश्वास और वचन साथ में, दोनों हमको साथ लेके गए थे, इसके हम आगे पीछे नहीं कह सकते।
तो आद में क्या था? वचन, और वचन ही क्या था? परमेश्वर। वचन परमेश्वर था, और जो परमेश्वर की संगति में, जो प्रभु की संगति में रहता है, जो वचन की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो परमेश्वर में, वो हम में दिखना शुरू हो जाता है। आत्मिक फल, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक गुण, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक अभिषेक, अलौकिक सामर्थ, हालेलुया, जो प्रभु की संगति में रहता है। आद में क्या था? प्रार्थना नहीं, आद में वचन। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। तो अगर आप वचन के संगति साथ संगति नहीं करते, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, क्योंकि वचन परमेश्वर है ना। तो जो लोग विश्वास की शिक्षा सुन रहे हैं, अब उन्हें अगला कदम क्या करना है? प्रार्थना और वचन, उपवास, ये तीनों संगतियों में बढ़ना है। समझ पा रहे? लिख लेना, ये तीन संगतियों में बढ़ना है, तो आप वो दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ते जाएंगे। और इसे कैसा करना, कैसी लिमिट में रखना, कितनी प्रेयर करनी, कितनी बाइबल रीडिंग, फास्टिंग कितना। ये फास्टिंग वाले लोग क्या होते हैं? 40 फास्टिंग, एक जगह पास्टर ने 40 फास्टिंग रख, पास्टर के बिलीवर ने 40 फास्टिंग रख लिए। आत्मिक बिलीवर था, आज्ञाकारी था, पास्टर बोल जा तो वो जाता था, आ तो वो आता था, पास्टर बोल बैठ तो वो बैठता था, पास्टर बोलते थे चल बाजार में ये दूध लेके आ, तो बड़ी धूप में ये नहीं कहता था मैं काला हो जाऊंगा, दूध लेने जाता था। पास्टर बोलता था टेंट लगाना है, दरियां बिछानी है, खाने के बर्तन तूने साफ करके जाना है, करता था, आज्ञाकारी बच्चा। पता क्या हो गया? पास्टर ने बोला आज्ञाकारी है। पास्टर अभी किसी महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा था, और पास्टर ने क्या बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तू आज्ञाकारी बंदा है, ख्याल रखना फिर पूरी चर्च का, पूरी चर्च का क्या रखना? ख्याल रखना। तो पास्टर चला गया कि संडे मीटिंग ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे प्रार्थना कर लिया करो मिलके। छोटी कलीसिया थी, बड़ी नहीं थी, थोड़े लोग ऐसे केस झुंड, जैसे डिसाइपल में फैमिली चर्च होती थी छोटी, 7 जनों की 8 जनों की। तो उसने क्या रखना इन लोगों का, इनके साथ आपस में बैठ के प्रार्थना कर लिया करो, थोड़ी सी वचन पढ़ लिया करो, 5-5 मिनट सब मिलके प्रार्थना कर लेना, थोड़े थोड़े वचन बोल लेना, 10-10 मिनट वचन पढ़ लेना, तो बाकी फिर मैं संडे आगे फिर मैं आके फिर आने वाले एतवार में आ जाऊंगा, इतने एतवार बाद। ये बंदा 40 फास्टिंग में था, तो ये उपवास में इतना आत्मा इसकी भर गया, आत्मा में फास्टिंग भरती है आपको, उपवास में इतना भर गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर स्पिरिचुअल हो गया, प्रेयर में नहीं था और वचन की नॉलेज नहीं थी ज्यादा। प्रेयर में तो था, चलो मान लो प्रेयर वाला तो संडे भी था कोई, तो प्रेयर में था, प्रेयर के साथ फास्टिंग कर रहा था, फास्टिंग और प्रेयर तो बहुत भरने लगा। और उसके बाद बहुत भर गया, पर वचन की नॉलेज नहीं थी जैसे वचन की नॉलेज होती है, हालेलुया। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, या किसी पर, मतलब हर वो चीजें जो जब तक वचन की बढ़, जब तक तुम सिद्ध नहीं हो जाते, तो बहुत सारी बातें। तो इसने क्या किया, पूरी आत्मा में भर भर के कलीसिया में, चल इसके ऊपर ले हैंड, चल इसके ऊपर भविष्यवाणी, इसकी दुष्टात्मा कलीसिया में, कलीसिया की दुष्टात्मा इसमें, मतलब पूरा हाथ रख रख के इसकी सारी पाप कलीसिया में डाल दिए, कलीसिया के सारे पाप अपने अंदर डाल लिए ले हैंड के द्वारा, लाइफ ट्रांसफर पूरा तहस नहस। पास्टर ने आके देखा, ये काम है, पाप की नगरी में आ गया, वापस आया, ये काम है, पाप की नगरी में आ गया। मुझे क्या महसूस हो रहा है? हर कोई व्यक्ति गुस्सा ऐसे देख रहे हैं मुझे, हर कोई उदास हो के बैठा है, संडे आता है किसी को वचन में इंटरेस्ट नहीं, कोई कैसा, तहस महस कर दिया सबको, हालेलुया। क्या उपवास और प्रार्थना में बढ़ के वचन में नहीं? इसलिए मैं आपको बताता हूं, जब तुम बढ़ो तो सब में थोड़ा थोड़ा बराबर करके बढ़ना, एक में बढ़ते जाओगे ओवर स्पिरिचुअल हो जाओगे। खास करके विश्वास से पहले आता है सुनने से वचन, तो वचन में ज्यादा कर बढ़ना, हालेलुया। प्रार्थना में आप इसलिए जाते हो कि आप वचन आपको समझ आए, तो अंदर लक्ष्य क्या है प्रार्थना के बाद? वचन ही है ना, कि हम परमेश्वर की सुन पाए, तो जो प्रभु की संगति में रहता है, हालेलुया। तो आपने अभी ये देखा कि आपको विश्वास के साथ इन तीनों चीज में बढ़ना है, इनको बराबर रखना है, उपवास और वचन की मैं बात कर रहा हूं, और साथ में मैं फास्टिंग जोड़ रहा हूं, हालेलुया। योना 1:1, आद में क्या था?
वचन परमेश्वर के क्या था और वचन ही क्या था? ओके, तो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन की संगति में रहता है वो उसके परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जो केवल प्रभु की संगति, प्रार्थना में प्रभु की संगति में रहेगा, हो सकता है कि वो दुष्ट आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाए, क्योंकि वो जोश से भरकर कुछ भी करेगा और बहुत कुछ तहस महस कर देगा। हालेलुया। वचन से बाहर काम करेगा, वचन की नॉलेज ना होगी। ओके, तो अगली बात, ओके, यहां पर आप देखें कि जो व्यक्ति यहां पर संगति की बात कर रहा है, प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहां पर भजनकार प्रभु की संगति में पहले जा रहा है, प्रार्थना करते हुए संगति में जा रहा है। लेकिन जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मतलब यहां पर देखो, टिकाना पाएगा मतलब उसकी पंखों की आड़ में आ जाएगा, उसकी छाया में टिकाना पाएगा जो बैठा रहे। तो केवल आप, जब आपके पास वचन नहीं होता, तब आप जब प्रार्थना के साथ केवल आप छिपने के लिए हजूरी में जाते हो, जब आपके पास वचन नहीं होता। प्रार्थना में आप क्या जाते हो? छिपने के लिए। ओ जी, डर लग गया, दुष्ट आत्मा दबाव आ गई, बाइबल कितने, बाइबल कितने, मम्मी मम्मी कान में जोर कटी, समझ पा रहे हैं? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा तेरी निकट हजार, तेरी दानी और दस हजार के नहीं, तेरी को हानि ना होगी, यह बहेलिए के चाल से, महामारी से, हर एक चीज से बचाएगा, 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 समझ पा रहे? तो ये डर के मारे छिप रहा है। प्रार्थना में जिसके पास वचन नहीं है वो छिपता है, पर जिसके पास वचन है वो शैतान का सामना करता है और शैतान उससे भागता है। हालेलुया। तो यहां पर 91 जबूर को जो आप पढ़ते हो, ये एक लिमिट तक है कि आप जहां पर छिप रहे हो, कि आप एक छिपे हुए विश्वासी बन के रहोगे, करोगे नहीं कुछ। मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते कि अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी आशो के हकदार नहीं हो। अगर आप सेवा करते तो आपकी लाइफ बाकियों से अलग होगी, ब्लेस होगी हमेशा, आप देख लेना। तो क्या आप हमेशा छिपते रहोगे? अगर छिपते रहोगे सेवा कब करोगे? कहता तू मेरे छिपने का ठिकाना है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तुझे बेलिए के जाल से, हर एक महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। हर आयत में क्या नजर आ रहा है आपको? जहां छिपेगा, जहां बचाएगा, चार आयत में पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा, शरण पाएगा। कोई दिलेरी से नहीं आ रही है ना, लौकदा ही जा रहा है बंदा। और आपको बस 91 जबूरे बाइबल में पढ़ रहे हैं तो 91 आता आ रहा है आपको, और कुछ नहीं पढ़ोगे तुम। हाँ, सच्चाई तेरे लिए डाल और चिलम ठहरेगी, तू ना रात को रात के भय से डरेगा, रात के भय यहां भी छिप रहा है, ना तो रात के भय से डरेगा ना दिन के उड़ते तीर से, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ते, तेरे निकट हजार दानी और दस हजार गिरेंगे, तेरे पास ना आएगा, मतलब पास ना आएगा। पर हमें केवल पास ना आने वाले तक नहीं बचे रहना शैतान से, हमें उसे का सामना करना है और उसे भगाना है अपनी लाइफ से और लोगों की लाइफ से, यीशु मसीह के नाम में। हमें केवल पास ना आएगा तक 91 जबूर तक वचन नहीं पढ़ना, हमें वचन के भेदों में जाना है, गहराई में जाना है। ये गहरा समुंदर है, डूब जाना है इसमें। जब पूरा डूब जाओगे तो एक ही काम रहेगा, ऊपर ही आओगे। फिर एक टाइम आता तुम डूबते हो, मरते हो अपने आप के लिए, डूबते जाते हो, फिर एक टाइम आता तुम ऊपर आते हो फिर। हालेलुया। तेरे पास ना आएगा, हालेलुया। 10 में लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, मतलब सुरक्षा ही है, वह तेरी रक्षा करेगा। 11 आयत में एंड में लिखा है पत्थर से तुझे ठेस ना लगेगी। हालेलुया। संकट में वह तेरी, 15 आयत में लिखा एंड में, संकट में वह तेरे संग रहेगा। समझ पा रहे हैं कि आप छिपते ही रहोगे? हालेलुया। किसमें दृढ़ होकर सामना करने के लिए बोला है? विश्वास में। विश्वास किससे बढ़ता है? वचन सुनने से। कहते सारे हथियार बांध लो, एंड में ये वचन होगा, और विश्वास में दृढ़ होके, एक जगह लिखा है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। विश्वास में दृढ़ होके सामना करना है, ना कि केवल छिपते ही रहना है। केवल प्रार्थना करने वाले लोग छिपते हैं,
सुरक्षा की मांग करते हैं। प्रभु जी काम ते जा रहे हैं, मेरी रक्षा करना। पर जो वचन में चलते हैं उन्हें पता है मैं खुदा की सेवा करता हूं, वो मेरा ख्याल रखेगा, वो मेरे अंग संग मेरे साथ है। उसे 15 मिनट छिपने के लिए प्रेयर करके नहीं जाना पड़ता घर से, उन्हें पता है सेना का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, उन्हें पता है, वो जीते ही ऐसे विश्वास में। हालेलुया, उनके अंदर फेथ ही ऐसा रहता है कि उन्हें वचन बोलना क्या, उनकी आत्मा में अंदर तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है। वो केवल बोलने की भी उन्हें, वो उन्हें हृदय में ऐसे रखा हुआ है कि उन्हें पता है वो जादू टूना घर में कोई जो शिफ्ट है वो घर देखेगा जादू टूना, मम्मी कर दे खून दे चिट्टे, खून दे चिट्टे, मम्मी नींबू, समझ पा रहे ना? तो वो सोचेंगे, वो डरेंगे, मम्मी चौल, और क्या क्या होता है, हाँ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता होगा। हालेलुया, जादू टूने हमारे तो नहीं आए कभी पंगा लेने के लिए, तो ये डरते हैं। तो जो वचन से भरा होगा वो क्या करेगा, मान लो अगर ये पूछ रहा है पासी अगर घर में ऐसा जादू टूना हो तो क्या हम क्या करें, हम उठा सकते हैं, हम जब पास्टर को प्रेयर करके बुलाएं, पास्टर जी आयो 2 घंटे तक सफर करके उठायो था जरा, हाँ तो वो सवाल रहता है। तो जो तो विश्वास में निर्बल है अगर वो डर डर के चिकामा जे ना पता नहीं कंफ्यूज हाँ ठीक कर हाँ मम्मी कितना तू चकूंगी, तू पहन तू चकूंगी, मैं चक दी ये छठ तू मैं चक दी हाँ ओके, वो उठा रहे मतलब मान लो ये पड़ा है उठा रहे, मम्मी तैयार ना छठ मम्मी तू प्रार्थना कर दे फोन कर दे, समझ पा रहे तू इधर डर रहा है पूरा, अब डर डर के चलो कोई नहीं उठा देने बच्चन चाहे दमी लिखे दमी लिखे दमी लिखे अंदरों डरी भी जाने, तो क्या करेगा जब जो उठाएगा दल से उल्टा पड़ेगा यदि उतर के नहीं पाएगा, पड़ेगा ना, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा वहां पर। अगर इधर और चर्च का विश्वासी आ गया 7 साल का छोटा मुंडा स्कूल तो आया, मम्मी जी की रौला पाया बेटा जादू टूना जादू टूना जादू टूना, और छड़े मम्मी बाइबल लिखिया विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे मेरे नाज दुष्टात्मा कढ़नगे सप्पा उठा लेंगे कोई नाशक वस्तु असर न करेगी, याकूब दे घराने ते केड़ा जादू टूना चलता, असी यीशु मसीह नूं मन दे याकूब दे घराने तो हाँ है छड़ परे ले मम्मी चल परे हट की ये कूड़ा ये ले, समझ पा रहे हैं? इसको कुछ होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? इसने विश्वास से किया है, बिना डरे हुए किया। हालेलुया, इसलिए विश्वास में दृढ़ होके शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब तूने इस जादू टोने को विश्वास से डांटा है, ये पड़ा तो है किसके ऊपर, बताओ किसके ऊपर पड़ा है, जिसने भेजा था, जो तूने देखा मैं जादू टोना किया, एक कुड़ी बड़ी पीछे आ रही ना दी पढ़न दी, मेरे बच्चे तो बट ज्यादा नंबर ले जाती है, इधर बच्चे का पापा जी ऐदा ना कुछ करो सिर दुखदा रहे कदे पढ़े ना पाए, हो गए सिर मेरा सिर जहा दुखी जाता 2 महीने हो गए और याद आएगा, अरे सिर दुख यही तो जादू टोना उसमें किया था, आगे से पंगा नहीं लेने का, आगे से पंगा नहीं लेने का, इनको मत छेड़ने का, समझ पा रहे वाह इनको मत छेड़ने का, तो सामना करो तो वो भाग जाएगा, और फिर क्या आएगा उनको बता यार ओदे को नहीं जाना किधर जाइए, जब जो दुष्ट आत्मा दूर होती तो सुखी जगह डांट डांटती ढूंढती कहीं जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, उसके पास तो नहीं जाना, खाल भुखे पेट रह लूंगी दुष्ट आत्मा को, सुखी जगह ढूंढती है खुराक, उसका खुराक पाप है, भुखी रह लूंगी खाने पीने तो बिना, ओदे खून नहीं जाना, वो तो बड़ी अग जालदा बड़े वचन मारदा होता, समझ पा रहे ना, ओदे खून नहीं जाना, आप फ्री होंगे, आप आजादी से फिर सेवा कर पाओगे जैसे हम कर पा रहे हैं, फिर आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप आराम से गर्जेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।